एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेड़ी पर डोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है, डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। अरे ये हमारे गांव में डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? है जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे, चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा सुंदर? आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रीमा तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें डोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ओहो ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे डोसे वाली जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में, तुम क्या नई हो? हाँ मैं नई हूँ इस गांव में, पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है खिलाओ तो जरा। वाह 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 वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसे वाली, डोसे, डोसे वाली। अरे रीमा बहन वो देखो आ गई डोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पति देव को ले जाओ आज खाने के लिए, इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो तुम अब तक नाराज हो? चलो पूजा भाभी, चलो चलो राजू भाई, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आऊंगा। फिर तीनों जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है, अरे गिर गए तीनों, ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है, इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है। अरे पूजा क्या हुआ? फिर रीमा पूजा के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है, अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं, हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गांव में ढूंढती हैं पर दोनों कहीं नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हों, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल हरिया और राजू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है जहाँ उसने और भी आदमियों को रखा होता है। अरे हरिया भाई और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा दास बेटे चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो, मुझे भी नहीं समझ में आता। अब मेरी सुनो, 50 चौड़ी मैं तुमसे।